लेसन टू में है और बायोलॉजी में है, क्लास नाइन के एक टॉपिक है, ये उत्तक है, टिश्यू। पहले हमने पहला पार्ट में कोशिका के बारे में पढ़ा है, दूसरी पार्ट में उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उत्तक में हम लोगों ने पादप उत्तक के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि स्लाइडर ने बताया था कि इस पादप के जो शरीर है वो भी कोशिकाओं से बना है। तो कोशिकाओं के समूह जो है जिनसे पादप का शरीर बना है उसको पादप उत्तक कहते हैं। पादप उत्तक भी दो तरह के होते हैं, एक होता है विभोजी उत्तक और एक होता है अस्थायी उत्तक, है कि नहीं है? विभोजी उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभोजी उत्तक का मतलब है जिसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें विभाजन की क्षमता अभी भी है, यह अभी भी मतलब ये विभाजित हो सकती है। ये कैसा होता है? अव्यस्क होता है, माने कि पूरा का पूरा यह अभी मैच्योर नहीं होता है, व्यस्क नहीं रहता है, अव्यस्क होता है। इसकी कोशिकाएं जीवित तो होती हैं, छोटी होती है, अंडाकार होती है, बहुभुजी होती है, इसमें रसधानी नहीं पाई जाती है, है ना? और कोशिकाओं के बीच में कोई जगह भी नहीं होता है विभाजित तक में। विभाजित तक भी तीन तरह के हैं, एक है शीर्षस्थ, एक है पार्श्वस्थ और एक है अंतर्वेशी। शीर्षस्थ का मतलब अगर फिगर से देखें तो जो तना के या मूल रोम के हम कह सकते हैं या जड़ के मुंह पर एकदम मतलब सीधे शीर्ष पर, है ना, शीर्ष पर जो स्थिर होता है उत्तक, वह जो है वो शीर्षस्थ विभाजित तक होता है। और हम कहें कि इसके अंदर बगल में, है ना, जो बगल में अंदर जो आप फिगर में देख रहे हैं वह पार्श्वस्थ विभाजित तक होता है। और टहनियों या पत्तियों के पर्व में थोड़ा अंदर की ओर धंसे हुए ये जो है अंतर्वेशी विभाजित तक होता है। अब थोड़ा समझ लें कि शीर्षस्थ विभाजित तक क्या है। तो भाई अब सबसे बड़ी बात है कि शीर्षस्थ का मतलब जो आप देख रहे हैं प्याज व्याज को, तो अगर आप एक उदाहरण बताया गया है कि प्याज अगर है तो उसको अगर पानी में हम रख देते हैं थोड़ा देर के लिए तो जड़ जो है सही से निकलने लगता है। तो जो इसके शीर्ष भाग में जो लंबा इसका बढ़ रहा है वही उसका जिम्मेवार कौन है? शीर्षस्थ ही उसका जिम्मेवार है इसकी लंबाई में वृद्धि के लिए। मैंने हम कह सकते हैं कि शीर्षस्थ जो है वो लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है। तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है और ये प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेवार है शीर्षस्थ विभाजित उत्तक। पार्श्वस्थ का क्या है? तो अभी बताएं कि ये बगल में होता है, तो जड़ या तने के बगल में होता है, द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेवार, भोजन संवहन और चौड़ाई के लिए जिम्मेवार होता है। अंतर्वेशी की बात कर लें तो टहनियों पत्तियों के पर्व में अंदर की ओर पाया जाता है और यह जो है वृद्धि करके भी स्थायी उत्तक में बदल जाता है। तो इस तरह से हमने देखा विभाजित के बारे में। अब हम लोग अस्थायी उत्तक के बारे में देखेंगे। अस्थायी उत्तक भी दो तरह के हैं, एक सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक होता है। तो सरल उत्तक में भी तीन तरह का होता है, मृदु उत्तक, एक होगा अस्थूल कोण उत्तक, एक है दृढ़ उत्तक। तो मृदु उत्तक क्या है भाई, उसके बारे में समझ लेते हैं, वो कहाँ पाया जाता है। तो मृदु उत्तक के सबसे पहले बात करेंगे कि नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है। साधारण से शब्द कहें तो नया तना के छाल में या जड़ में, है ना, पाया जाता है। इसके यहाँ पर ये वही बात बोला गया कि एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है। इसमें बड़ी रसधानियाँ होती हैं, ये अनियमित, बहुभुजी, अंडाकार, जीवित लेकिन होता है, गोलाकार, केंद्रक युक्त तो होता है। इसमें जब क्लोरोफिल युक्त, अगर हम अगर मृदु उत्तक की बात कर लें तो याद रखना है आपको कि क्लोरोफिल युक्त अगर मृदु उत्तक कोई पूछेगा तो उसको क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। और वायु युक्त जो होता है, जो कि जलीय पौधों में जो उत्तक होती है जिसके बीच में हवा होती है हम कह सकते हैं, तो ऐसे उत्तकों को, है ना, एरेनकाइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरेनकाइमा कहा जाता है। और मृदु उत्तक का क्या काम है? तो भोजन का निर्माण करता है, संवहन करता है और O2 CO2 का विनिमय करने का काम मृदु उत्तक करता है। अस्थूल कोण उत्तक की बात अगर कर लें तो केंद्रक, इसमें केंद्रक युक्त होता है, ये लंबी होती है, अंडाकार होता है, जीवित और रसधानियाँ इसमें होती हैं। यह पर्णवृत्त और पुष्पवृत्त या पुष्पावली वृत्त में पाया जाता है। जैसा कि अभी बताए थे कि इस तरह से ऐसे टहनी निकला है तो यहाँ पर, है ना, ये पत्ती वाला है तो पर्णवृत्त कह रहे हैं, पुष्प है तो पुष्पवृत्त कह रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरह की चीज़ में यहाँ पर पाया जा रहा है। और इसका काम क्या है? तो यांत्रिक सहारा प्रदान करना, भोजन का निर्माण करने का काम है। किसका? अस्थूल कोण उत्तक का। दृढ़ उत्तक की बात अगर कर ले तो यह जो है मृत, लंबी, संकरी, मृत, लंबी, संकरी,
जैसे कि आप फिगर से समझ सकते हैं कि यह इस तरह से होता है, मृतलंबी और संकरी, है कि नहीं है। मृतलंबी संकरी और नुकीली होती है, तो और ये इसमें मतलब कि जीवद्रव्य भी नहीं होता है। ये इसमें एक सीमेंट की तरह पदार्थ होती है लिग्निन, जिसके कारण ये कठोर हो जाता है। सुन रहा है, यह कहाँ पाया जाता है, किस किस चीज़ों का उदाहरण है, तो आप कोकोनट जो नारियल देखते हैं उसका आवरण है, या जितना भी रेशेदार चीज़ है, जूट है, कपास है, उसमें दृढ़ ऊतक पाया जाता है, कड़े आवरण में पाए जाते हैं। इसका काम है यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना और दृढ़ता प्रदान करना। तो मोटा मोटी हम लोगों ने आज देखा विभाजित ऊतक के बारे में, फिर स्थायी ऊतक में एक सरल ऊतक पढ़ा है, और फिर नेक्स्ट में भी देखेंगे जटिल ऊतक के बारे में। वो भी दो तरह का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम भी चार तरह की चीज़ें होती है, वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम मृदु ए जाइलम तंतु और जाइलम मृदु ऊतक। फिर फ्लोएम भी है ना, अभी बताए हैं मोटा मोटी, अब समझ लीजिए कि जाइलम वो ऊतक है, संवहन ऊतक है, जिससे क्या होता है, जल है ना मूल रोम से क्या होता है, पत्ती तक जाती है ऊपर की ओर दिशा में, ठीक है। अब फ्लोएम एक संवहन बंडल है, ये भी जो क्या करता है, खाद पदार्थ जो पत्तियों में तैयार होती है उसको ऊपर या नीचे दोनों दिशा में, द्विदिशीय में है ना, क्या करता है, प्रवाह करने का काम करता है या स्थानांतरण करने का काम करता है। तो वो उसमें भी चार तरह की चीज़ें होती हैं, चालनी नलिकाएँ, फ्लोएम या बाष्ट तंतु, सह कोशिकाएँ, फ्लोएम मृदु ऊतक। इन सबों का काम भी अलग अलग थोड़ा समझ लेंगे जनरली, लेकिन यही मेन काम है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, और इसका काम है भोजन का संवहन करना, और इसका काम है यांत्रिक सहारा प्रदान करते के साथ साथ जल का संवहन या खनिज लवण का संवहन ऊपर की ओर करना। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में भी अलग अलग से चारों के बारे में देखने वाले हैं। तो मोटा मोटी आपको इस वीडियो से शॉर्ट में ये समझना है, एक पूरी मतलब लंबी नोट्स नहीं है, कि किसको क्या कहते हैं, क्या काम है ना।